तो हेलो गाइस, सिविल जैक्सन में आपका स्वागत है। तो आज हम जाएंगे लखवरिया केव्स, जो कि शहडोल से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आइए चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, हम लोग नेशनल हाईवे 43 पहुंच चुके हैं। यह हाईवे गुलगंज एमपी से चाईबासा झारखंड को कनेक्ट करता है। इसकी अप्रॉक्स दूरी 1062 किलोमीटर है और फाइनली हम लोग अमलई पहुंच चुके हैं। ये जो आप प्लेस देख रहे हैं, यह एमपी का सबसे बड़ा उत्खनन केंद्र है, जिसका एरिया अप्रॉक्सीमेट 4142 स्क्वायर किलोमीटर है और यह सुहागपुर कोयला क्षेत्र से भी जाना जाता है। हम लोग लखवरिया केव्स पहुंच चुके हैं और सबसे पहले मैं आप लोग को भगवान शिव के दर्शन कराना चाहता हूं, जो कि गुफाओं के अंदर मौजूद हैं। तो भगवान शिव जी, और थोड़ा साइड में हम चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। यहाँ पे हमारे हनुमान जी और भैरव बाबा जी हैं। हम थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये भी उसी टाइम का था और पंडित जी बता रहे हैं कि ये करीबन 5500 साल पुराना है। ये पिलर को अभी अभी रिपेयर किया गया है। और ये साइड में आप जो देख रहे हैं, ये शिव जी और पार्वती जी। ये डिजाइन जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये भी उसी टाइम का था। लखवरिया की गुफाओं को लेकर मान्यता है कि यहाँ महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव पहुंचे थे और 1,00,000 गुफाओं का निर्माण किया था, जिसके बाद इसका नाम लखवरिया पड़ गया। अभी लगभग 13 गुफाएं सुरक्षित हैं, बाकी सभी मिट्टी में दब गई हैं। आइए हम आपको ले चलें दूसरी गुफा में। लोगों का मानना है कि यहाँ पे पांडव अपना अज्ञातवास का कुछ समय यहीं पे स्पेंड किए थे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस जाएं तो वहाँ गंदगी ना फैलाएं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं शनिदेव मंदिर। क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही आपको दर्शन दिला देता हूँ। और ये भी करीबन 5500 साल पुराना बताया जाता है। ये देखिए कितनी प्यारी मूर्ति लग रही है। और पंडित जी बता रहे हैं कि ये पांडव लोग के टाइम की मूर्ति है और उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ये छोटी शिवलिंग है और ये शिवलिंग 2004 या 2005 में खुदाई के दौरान पाया गया है। और वहाँ की शिवलिंग 2002 में खुदाई के दौरान मिली है। तो आइए पास से चल के देखते हैं, ये शिवलिंग 2002 में खुदाई के दौरान पाई गई है। ये बाबा जी का आसन है और वहाँ अस्त्र शस्त्र रखा है बाबा जी का। तो आइए पास से देखते हैं। ये देखिए बाबा जी का अस्त्र शस्त्र, इसे देख के लग ही रहा है ये काफी साल पुराना होगा। तो आइए आपको एक इंटरेस्टिंग प्लेस ले चले। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे महाभारत के भीम जी के पैरों के निशान हैं। इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। ये देखिए कितने बड़े पैर थे, और ये तो काफी बड़ा पैर लग रहा है। ये तो मेरे पैर से भी 20 से 30 गुना ज्यादा बड़े हैं। ये हम पहुंच चुके हैं महामाया मंदिर, और ये लगता है हवा की वजह से गिर गया था, तो पंडित जी इसको ऊपर रख रहे हैं। आइए हम अंदर से देखते हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। पंडित जी बता रहे हैं कि यह करीबन 5 से 6 हजार साल पुराना है और ये द्रौपर युग का है। तो ये देखिए गाइस, ऐसा नज़ारा आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, और मेरे ख्याल से आपको एक बार यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए।
महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय शहडोल जिले के बुढ़ार तहसील के अंतर्गत लखवरिया गांव में भी बिताया था। ये देखिए नंदी महाराज और ये शिव जी के वाहन हैं, और संस्कृत में नंदी का अर्थ होता है प्रसन्नता और आनंद। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता चलता है कि आसपास के तालाब से आज भी ऐसी प्रतिमाएं निकलती हैं। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये उनमें से एक है, ये खुदाई के दौरान ही मिली है। पंडित जी बता रहे हैं कि उनके जो गुरु जी हैं तो यहाँ पे साफ सफाई कराने के दौरान हुई खुदाई से जो शिवलिंग निकला था वो यही शिवलिंग है, और जो नंदी महाराज हैं वो भी इसी खुदाई से मिले थे। बताया जाता है कि ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये हाथी के शेप का था, पर बारिश वरिश की होने की वजह से इसका शेप चेंज हो गया है। अभी भी आप आँख और कान देख सकते हैं, ये देखिए आँख और कान। उनकी समाधि वगैरह मतलब यही है कि कहीं कारण है कि उनका शरीर ही अब परित्याग नहीं किए थे, वो जहाँ भी गए हैं पूरे शरीर की समाधि मतलब पता ही नहीं था। इलाहाबाद में उनकी समाधि है जहाँ से वो अंतर ध्यान शरीर नहीं गया। ये दो महाराज जी का तस्वीर देते होंगे तो उनका समाधि सामने 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 कमरा ही है, सामने इधर भी बगल में है, इधर बगल में है, एक वो छोटा सा और एक ये हॉल टाइप का। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इसे कुल्लू का पेड़ बोलते हैं, और कहते हैं जहां हाथ वगैरह फट जाता है तो इसे लगाने से वो जगह ठीक हो जाती है। आइए मैं आपको मिलाना चाहता हूं संत जी से जो कि यहीं पे मंदिर की देख रेख करते हैं और ये 20-25 साल से यहीं तपस्या कर रहे हैं। और ये आप अंदर भोलेनाथ जी को देख सकते हैं, यहाँ पर शिवलिंग है, और ये हमारी सरस्वती माता और ये हमारे गणेश जी। तो बोलो गणेश भगवान की जय। ये है हमारे पंडित जी, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं हम लोग को, और अब हमें लेके जा रहे हैं गुफाओं के अंदर, तो आइए चलते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे गाय के बछड़े कितने क्यूट लग रहे हैं, ये देखिए गाइस। पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ से पहले पांडवों का आना जाना था, और ये जो आप देख रहे हैं तो इसको अभी बंद कर दिया गया है। ये रास्ता इलाहाबाद को होती हुए जाता है। यहाँ आपको कई गुफाएं देखने को मिलेंगी, ये उनमें से एक है। यहाँ देखिए प्रवेश वर्जित है, और ये है बाई जी, तो यहाँ के जो प्लेस वगैरह हैं इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किए गए थे ऐसा पंडित जी बता रहे हैं। आइए थोड़ा सा प्रार्थना कर लें। पूरा देख रेख यही बाई जी की थी, ये हमारे हनुमान जी हैं। ये भी काफी साल पुराने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।